हेलो चैंपियंस, ड्यूरेशन ऑफ डिग्री चेंज्ड। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, डिग्रियों की जो अवधि है उसमें परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बैचलर्स डिग्री हो चाहे वो मास्टर्स डिग्री हो। द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का जो राजपत्र है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल दी हुई होती हैं और इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो नोटिफिकेशन आपका आ चुका था और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि अब ये कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिनके ड्यूरेशन जो है उसको बढ़ा दिया गया है और कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिनके जो ड्यूरेशन को जो है कम कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें चलिए यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। बस आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, नोटिस जो आपके देख रहे हैं कि 25 मार्च 2022 को नोटिस आई थी और देखिए इसमें ये चीज़ कहा गया है, जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें जो ये पारित हो चुकी थी जो नोटिस है उसमें गैजेट ऑफ इंडिया में जो डिग्रीज ड्यूरेशन चेंज किया गया वो 14/10/2021 को आया था और 3/3/2022 मीन्स 3 मार्च को जो है यहाँ पे हो गया था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो न्यू डिग्रीज में किस एक्ट के तहत? अंडर सेक्शन 22 ऑफ द UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट है, एक 1956 में बना था, इसके तहत जो है इन चीज़ों को चेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए आपको हम दिखा देते हैं अब सीधा सीधा जो गैजेट ऑफ इंडिया है इसमें क्या चीज़ें हैं, जो क्या प्रावधान है, देखिए निकल के आया है। देखिए, 14 अक्टूबर 2021 में हमने आपको बताया कि इस दिन ये चीज़ जो है गैजेट ऑफ इंडिया में हो गया था। अब आपके समाज मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि कब से ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं। देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 22 के उप अनुच्छेद 3 में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार जुलाई 5, 2014 को जारी डिग्रियों के विनिर्देशन संबंधी राजपत्र में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान केंद्र सरकार के अनुमोदन से डिग्रियों की विनिर्देशन संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना में इस अधिसूचना द्वारा तृतीय संशोधन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है 2014 में जो है इससे पहले संशोधन किया गया था, लेकिन अभी ये तृतीय संशोधन किया गया है। सरकारी राजपत्र के इसके प्रकाशन की तिथि से ही लागू माना जाएगा। अब देखिए, राजपत्र में 14 अक्टूबर 2021 में जब ये चीज़ हुआ है तो अभी भी जो ये जो चीज़ें हैं ये लागू हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि जब इसका प्रकाशन हुआ तभी से जो है इसको लागू माना जाएगा, तो ये लागू हो चुकी है। देखिए, कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए, मेडिसिन एवं सर्जरी के लिए, आयुर्वेद के लिए, यूनानी के लिए, होम्योपैथी, हेल्थ एंड एलाइड साइंस, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग के क्षेत्र में ये जो डिग्री हैं। ठीक है, निम्न नई डिग्री को विनिर्देशित किया जाता है, ये डिग्री है आपकी। चलिए हम डिग्री का नाम भी आपको हम बता देते हैं यहाँ पे। ये डिग्री आप देख सकते हैं, BSRMS। ठीक है, बैचलर ऑफ सोवा रेगपा मेडिसिन एंड सर्जरी। जो इसका देखिए जो इस वो चीज़ें हैं, क्या बोलते हैं, इसका स्तर जो है ये स्नातक स्तर पे इस डिग्री को माना जाएगा। जो ड्यूरेशन होगा वो 5.5 साल का ड्यूरेशन होगा और इसमें जैसे प्रवेश अर्हता मीन्स एलिजिबिलिटी क्या होगी, प्रवेश के लिए 10+2 होगी, मीन्स 12वीं के बाद आप कर सकते हो। जो विश्वविद्यालय BSRMS की डिग्री प्रदान कर रहे हैं वो उपर्युक्त तालिका के अनुसार अपने कार्यक्रमों को पुनर्गठित कर लें और डिग्री को BSRMS के रूप में प्रदान करें। तो यहाँ पे विद्यालयों को भी जो है नोटिस जारी की गई, उनको कहा जा रहा है कि चीज़ों को प्रदान करने का यहाँ पे प्रयास करें। तो अब ये चीज़ जो है 5.5 साल का यहाँ पे हो गया है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है। देखिए, दूसरी डिग्री क्या है आपके सामने, 3 मार्च 2022 को जो कि इसका यहाँ पे नोटिस निकाली गई, जैसे कि MCA आप जानते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। तो ये जो कोर्स यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, अभी तक ये 3 वर्ष का होता था लेकिन इसको घटाकर 2 वर्ष का कर दिया गया, 3 से 2 वर्ष कर दिया गया है। जो इसका स्तर है वो मास्टर्स कोर्स इसको माना जाता है, आफ्टर ग्रेजुएशन होता है ये, और ये न्यूनतम वर्ष इसका जो है 2 वर्ष अब कर दिया गया है, पहले 3 वर्ष का होता था। प्रवेश की जो एलिजिबिलिटी है वो बैचलर्स डिग्री पर आपकी होती थी। ठीक है, चलिए दूसरे कोर्स की अगर हम बात कर लें तो BOC बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये बैचलर स्तर पे डिग्री मानी जाती है। इसकी अवधि 4 साल से बढ़ाकर 4.5 कर दी गई है, मतलब 4 से बढ़ाकर 4.5 कर दी गई है। और यहाँ पे जो इसकी पात्रता थी वो 10+2 थी, मतलब 12वीं के बाद आप इसमें एलिजिबल थे, आप जा सकते थे। ठीक है, अब कुछ डिग्रियाँ यहाँ पर जैसे कि अगर आपने देखा तो जैसे कुछ डिग्रियाँ यहाँ पे हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए जो डिग्रियाँ यहाँ पे नामित हैं, जैसे कि BFTech, बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये जो इसका स्तर है ये बैचलर्स डिग्री मानी जाती है। न्यूनतम अवधि इसका 4 साल है। ठीक है, प्रवेश अर्हता 10+2 के बेसिस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। फिर MFTech की बात करें, मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये मास्टर्स डिग्री मानी जाती है और जो इसकी अवधि है 2 साल है, बैचलर्स के बेसिस पे हो जाती है। MFM जो मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट है, बैचलर ऑफ ये मास्टर्स
डिग्री मानी जाती है, और जो ये न्यूनतम अवधि इसकी 2 साल है, और जो उसका एलिजिबिलिटी होती है वो बैचलर्स के बेसिस पे होती है, ठीक है। बैचलर ऑफ अर्बन डिज़ाइन 10+2 के बेसिस पे होती है, 4 साल की अवधि होती है, और मास्टर ऑफ अर्बन डिज़ाइन जो है ये 2 साल की इसकी अवधि होती है, ठीक है। बी एस एम मतलब बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है ये बैचलर्स डिग्री होती है, 10+2 के माध्यम पर इसका प्रवेश होता है। मास्टर ऑफ स्पोर्ट मैनेजमेंट बैचलर्स डिग्री के आधार पर इसका प्रवेश होता है और ये 2 साल की होती है। बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस इसमें 3 साल की अवधि है और 10+2 के आधार पर इसका एडमिशन होता है। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स साइंस ये मास्टर्स डिग्री है और बैचलर्स डिग्री के आधार पर एडमिशन होता है, 2 साल इसका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो आपने देखा जो है कुछ यहाँ पे चेंजेस भी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे MCA है और यहाँ पे कई सारे कोर्सेस हमने आपको दिखाया, ठीक है। तो इसमें जो है बदलाव आए हैं कोर्सेस में, और ये जो बदलाव है जो चीज़ें हैं ये गैजेट ऑफ इंडिया में आ चुकी हैं और ये इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। तो आप किस यूनिवर्सिटीज़ में हो, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ना स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।